आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भागलपुर इसाक्षक थाना क्षेत्र में अधिवक्ता पर छिड़काने का आरोप लगने के बाद हुआ मेडिकल, CTSP बोले होगी कार्रवाई। आपको बता दें कि भागलपुर के इसाक्षक थाना क्षेत्र में कल देर रात अधिवक्ता राजीव कुमार झा पर पड़ोसी के ही नाबालिग बच्ची के परिजनों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। वहीं पॉक्सो के तहत आरोपी पर मामला दर्ज किया गया है। आज सदर अस्पताल में आरोपी का मेडिकल जाँच करवाकर कोर्ट में पेशी किया गया। वहीं पीड़ित का भी मेडिकल जाँच कराया जा रहा है। बता दें कि आरोपी राजीव झा ने बताया कि 27 को बेटे की शादी है। वहीं बेटे की शादी का कार्ड देने गए हुए थे तो जानबूझकर फंसा दिया गया और हमको कमरे में बंद कर दिया गया था। वहीं इस मामले में CTSP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पीड़िता के माता पिता ने साथ आकर मामला दर्ज कराया था। वहीं पीड़िता की मेडिकल जाँच कराई जा रही है। बता दें कि 164 का बयान दर्ज करवाने के बाद आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल रात 9 बजे की घटना है। इसाक्षक थाना अंतर्गत एक मोहल्ला है, वहाँ पर पीड़िता ने अपने माता पिता के साथ आकर एक कंप्लेन दर्ज कराई थी। उनके साथ छिड़खाने की घटना की गई है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया और पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा रही है। उनका कोर्ट में हम लोग 164 का बयान भी कराएंगे और आगे जो कानूनी कार्रवाई की जाए। मामला था 27 अप्रैल को मेरे छोटे लड़के की शादी और उसका कार्ड वितरण कर रहे थे। कार्ड वितरण करने के दरमियान जो है वो जो इन्फॉर्मेंट है उसका पवन कुमार राय, वो जो है उल्टी सीधी बात करने लगा कार्ड वितरण को लेकर के। मैंने मना किया, इस पर बात बकझक हुई और उसके बाद जो है वो ताला लगा दिया गेट में। तो गेट में ताला लगाने के बाद जो कन्फाइंड किया हमको, इसके एवज में जो है वो अपनी लड़की से जो है बॉक्स ले। भागलपुर से श्याम सिंह की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप बने रहें लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।